12 साल इस पौधे में पानी ना देते हुए भी पौधा कैसे जीवित है। और बिहार में एक बाइकर को सीट बेल्ट ना लगाने की चालान काटा गया। और एक समय आता है जब सांप अपने आप को ही खा लेता है। और सनी लियोनी के बारे में कुछ राज। और पहले के समय में वोडाफोन एड्स में दिखाई देने वाले इनके नाम क्या है। और हिंदू धर्म के आचार्य अपने सिर पर चोटी क्यों रखती है। और आगे के जमाने में लोग सुबह जल्दी उठने के लिए एक असाधारण तकनीक का इस्तेमाल करती थी। जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक बने रहे। नंबर 21। हालांकि आज के जमाने में इंसान दूसरे जीवों के मुकाबले सबसे बुद्धिमान है, फिर भी एक चीज के बारे में मधुमक्खी कुछ कदम आगे है। मधुमक्खियां मानव चेहरे को बहुत ही आसानी से पहचान सकती है। वो 5000 इंसान के अलग अलग चेहरे को एक साथ याद रख सकती है। नंबर 20। क्या आपको पता है पहले जमाने में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इंसान सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती और कीले का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय अलार्म घड़ी का काम करती थी। वो कैसे काम करती थी, चलिए जान लेते हैं। पहले मोमबत्ती को स्टील या फिर लोहे के प्लेट में रखा जाता था और मोमबत्ती में कीले को फंसा दिया जाती थी कुछ इस प्रकार से। जैसे ही मोमबत्ती पिघल कर कीले तक पहुंचती थी, तब वो कीला अपने आप स्टील की प्लेट पर गिर जाती थी। कीले की गिरने से होने वाली आवाज ही अलार्म का काम करती है। मतलब तब इतनी कम आवाज में मैं नींद से उठ जाते थे, और अभी के समय में इतना जोर से अलार्म बजते हुए भी हमारा आंखें ही नहीं खुलती। नंबर 19। इस पौधे को ध्यान से देखिए। इस पौधा 50 साल बिना पानी के जीवित है। दरअसल यूके की एक आदमी डेविक विल्किंस ने साल 1960 में बंद शीशे के बोतल में एक पौधा लगाया था, और इस पौधे में आखिरी बार पानी 1972 में दिया था, और वो पौधा अभी तक जीवित है। इस पौधे का बोतल में खुद का इकोसिस्टम बना हुआ है। मानो पृथ्वी के अंदर एक दूसरा पृथ्वी, जिसमें पानी भाप बनती है और खुद बारिश बनकर गिरती है, और मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया इसे न्यूट्रिएंट देती है। सूरज की रोशनी एक लौता चीज है जो ये पौधा बोतल के बाहर से लेता है। नंबर 18। इस जीव को ध्यान से देखिए। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही जानलेवा है, क्योंकि इसके बाहों में पंख जैसे मौजूद इनमें स्टिंगिंग नेमेटोसिस्ट नाम की जहर मौजूद है, जो एक इंसान की जान तो नहीं ले सकती, परंतु इसके शिकार करने के काम आती है। इस जीव को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में स्थित फिश हेक बीच पर पाए गए थे, जो ग्लैकस अटलांटिकस प्रजाति के जीव है, और इस जीव को महासागर के सबसे खूबसूरत हथियारा का नाम दिया गया है। नंबर 17। अगर आप मार्केटिंग जानते हो, तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर पुराने जमाने में लोग बर्तन साफ करने के लिए इस चूल्हे के राख का इस्तेमाल करती थी, वही राख अब बादाम की कीमत पर ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर डिश वॉशिंग वुड एस के नाम पर बेची जा रही है। इसकी कीमत 250 ग्राम के लिए 399 रुपए बनाई गई है। नंबर 16। जब 10 और 20 रुपए की कार्ड वाला रिचार्ज आता था, तब वोडाफोन के एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्हें दिखाया जाता था। क्या आप इनके नाम जानते हैं? उन्हें जोजोस कहा जाता था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जोजोस एनिमेटेड नहीं बल्कि इंसान है। वो स्पेशली डिजाइन किए जाने वाले कॉस्ट्यूम स्पेशली वोडाफोन के एड के लिए बनाई गई थी। नंबर 15। भारत के मुंबई शहर, जो पॉपुलेशन वाइज भारत की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट और जिस शहर की GDP $310 बिलियन होते हुए भी मुंबई शहर जनता के लिए सबसे असफल शहर है, क्योंकि मुंबई में काम करने वाले 80% लोग 40 साल तक लगातार काम करने के बाद भी मुंबई में एक घर नहीं खरीद सके, क्योंकि उनके कमाई के मुकाबले मुंबई शहर ज्यादा महंगा है। एक अच्छा शहर वही होते है काम करने वाले लोग 5 से 10 साल के अंदर ही एक घर तो बना सके। नंबर 14। अभी आप जिसे देख रहे हो, अगर वो नहीं होते तो हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, और पर्यावरण के बारे में नहीं जान पाते थे, और पेट्रोल गैस इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, और बिजली की यूनिट 100 रुपए से भी ज्यादा होती, क्योंकि अमेरिका ने साल 1987 में जब भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, तब भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भाटकर जी ने 4 साल दिन रात मेहनत करके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो कंप्यूटर डेटा इंटेंसिव भारी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग तेल और गैस को ढूंढना फिजिकल सिमुलेशन और न्यूक्लियर फ्यूजन और क्रिप्टो एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 13। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि कोई सांप जब बहुत ही अधिक गर्मी महसूस करता है, तो तब वो भ्रमित हो जाता है, जिसके तहत उस सांप के अंदर भूख की झूठी भावना पैदा होती है, और तब वो जो चीज पहले देखती है उसे खाने की इच्छा होती है, इसलिए जब वो खुद को देखता है तो वो मरने तक वो खुद को ही खाते रहते हैं। नंबर 12। सनी लियोनी को ज्यादातर तो लोग एक पॉर्न स्टार के हिसाब से पहचानते हैं, लेकिन सनी लियोनी का असली नाम किसी को नहीं पता। सनी लियोनी का असली रणजीत कौर भोरार है, जो कनाडा के निवासी है, लेकिन उनका जन्म इंडिया में हुई थी और वो एक सिख रिलीजन से बिलोंग करती है। सनी लियोनी साल 2019 तक भारत में ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाली एक्ट्रेस है। सनी लियोनी साल 2011 में डेनियल वेबर्स के साथ शादी कर ली, और अभी उनके 3 बच्चे हैं। नंबर 11। अगर आप पास में कोई खूबसूरत जगह घूमकर आ चुके हो और आप दोबारा वहाँ की मजा फिर से लेना चाहते हो, वो भी घर बैठे, तो आप इस परफ्यूम को जरूर खरीदे, जिसका नाम नंबर 5 चैनल परफ्यूम है। इस परफ्यूम की खास बात तो यह है, भविष्य में जब भी इस परफ्यूम को लगाओगे, तो इसकी महक आपको आपकी पास्ट की यात्रा याद दिला देगी, क्योंकि आपकी नाक आपकी दिमाग के मेमोरी सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है, और इसकी महक इतना शक्तिशाली है कि आपकी यादें को ट्रिगर कर सकती है। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता होता, तो एग्जाम से पहले मैं एक जरूर खरीद लेता। नंबर 10। आपने देखा होगा हिंदू धर्म के आचार्य, साधु और ब्राह्मण लोग अपने सिर पर चोटी रखती है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का मान्यता ही नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। सिर के जिस स्थान में चोटी होती है, वो स्थान मस्तिष्क के केंद्र होता है, जहाँ से बुद्धि, मन और शरीर के अंग को नियंत्रित किया
जाता है। एक्सपर्टिस का मानना है कि इस स्थान पर चोटी रखने से मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। नंबर 9, इस बात को सुनकर आपकी दिमाग हिल जाएगी, लिख के देता हूँ। बिहार की चपरी जिले में एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक बाइकर की चालान काटी, वो भी सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। यूँ सुनकर दिमाग हिल गया ना। दरअसल संजय कुमार नाम की एक ऑफिसर ने रितेश कुमार सिंह नाम की एक बाइकर को हेलमेट और बाइक की पेपर के कारण चालान काटा। जब रितेश घर आकर देखा उनकी सीट बेल्ट ना लगाने के कारण 8,000 रुपए चालान काटा गया। उन्होंने जब उस चालान की कॉपी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया तब वो बहुत ही वायरल हुआ। इसके ऊपर उस ऑफिसर का कहना है कि हेलमेट और पेपर्स ना हो तो 194D का धारा लगाई जाती है, लेकिन उन्होंने 194D की जगह गलती से B का धारा लगवा दिया। नंबर 8, दुनिया के तमाम देश की अपने अपने एयरपोर्ट है जिसमें सिर्फ प्लेन ही लैंड करती है, लेकिन न्यूजीलैंड में गिस्बेन ही एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां प्लेन के साथ साथ ट्रेन भी आते जाते हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है, वहां सुबह 6:30 से रात 8:30 तक ट्रेन और प्लेन एक साथ आते जाते देखने को मिल जाएगा। नंबर 7, हमारे यहाँ क्रिसमस के दिन केक काट के उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि नॉर्वे में क्रिसमस के दिन लोग अपने अपने घर में मौजूद झाड़ू को छुपाने में बिजी रहते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि उस दिन चुड़ैल घूमने निकलती है और उनके डर है कि कहीं वो झाड़ू चुरा कर ना ले जाए। नंबर 6, जेट एयरवे ने एक बच्चे को लाइफ टाइम प्लेन की सवारी मुफ्त में कर दिया। दरअसल 2017 में सऊदी अरब से कोची आने वाली विमान जब 35,000 फीट की ऊंचाई पे था, तभी विमान में मौजूद एक महिला ने एक बच्चे का जन्म दिया। जेट एयरवेज ने पहली बार अपने विमान की उड़ान में बच्चे के जन्म से खुश होकर उस बच्चे को आजीवन विमान में मुफ्त यात्रा करने की तोहफा दिया। नंबर 5, अगर आप हेलीकॉप्टर में सफर करते हो तो आपकी जान हेलीकॉप्टर के कैप्टन के हाथ पर नहीं बल्कि इस चीज पर है, क्योंकि पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी एक नट के सहारे टिकी हुई है जिसे जीजस नट कहा जाता है। वो नट हेलीकॉप्टर के पंख को एक साथ जोड़ कर रखती है। अगर वो नट निकल गया मानो आपका जान भी निकल गया, या फिर भगवान जीजस ही आपकी एकमात्र आशा है। नंबर 4, सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो सभी को पता है। हाँ, वही जो एप्पल से ग्रेविटी और तीनों लॉ का आविष्कार किया था साल 1616 से 1668 के बीच में, लेकिन वो इन चीजों का उद्भवन बहुत पहले ही कर ले, लेकिन नहीं हुआ एक कुत्ते के कारण। दरअसल न्यूटन के पास एक डायमंड नाम की कुत्ता भी था जिसने न्यूटन की टेबल पर जलते हुए मोमबत्ती को गिरा दिया था, जिससे उनके सारे रिसर्च के पेपर जल गई थी और न्यूटन की 20 साल की रिसर्च जल के राख हो गई थी। नंबर 3, अभी आप तस्वीर में देख रहे हो दोनों चूहा आपस में डांस करते हुए। दरअसल वो दोनों चूहे लंदन के अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पे लड़ाई कर रही थी, कोई डांस नहीं कर रही थी। उन दोनों चूहे का लड़ाई देख के सुजन लॉर्ड नाम की एक यात्री ने फोटो और वीडियो लिया था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, और उस फोटो ने 2019 में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड भी जीता था। नंबर 2, आज की दौर में कोई भी इंसान बिना इंटरनेट के रह नहीं सकता है। ऐसे में बर्मा देश में इंटरनेट चलाना कानूनी अपराध है। अगर ऐसा करते आप पकड़ गए तो आपको जेल भी हो सकता है। आखिरी फैक्ट जानने से पहले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ऐसे ही नए नए फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 1, अगर एक चीज ना हो तो आपके घर में दुर्घटना हो सकती है। दरअसल हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो LPG गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है उसमें कोई स्मेल यानी गंध नहीं होता है। इस हालत में अगर गैस लीकेज हो तो हमें पता नहीं चलेगा और एक बड़ा दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उस गैस में इथेनॉल मर्करप्टन मिलाया जाता है जो सड़ी हुई गोभी की स्मेल जैसी है, जिससे गैस लीकेज होते ही हमें उस स्मेल से पता चल सके और हम दुर्घटना से बच सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ। और हाँ, कौन सी फैक्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में लिखना मत भूलना।